अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 144। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक वाइन ग्लास एंड 3D व्यू एंड हाउ टू ऐड मटेरियल। इस लेसन में हम एक तो 3D ग्लास ड्रॉ करेंगे और उसमें मटेरियल ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे कि ग्लास मटेरियल कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पिक्चर है मेरे पास यहाँ पे ही है। आज के लेसन में हम इस तरह का एक मटेरियल ड्रॉ करेंगे, एक ग्लास ड्रॉ करेंगे और उसमें ऐसा ही हम जो तो ग्लास मटेरियल भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसा मटेरियल मेरे पास अप्लाई होता है। ओके, तो उसके लिए मैंने ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसमें मैंने रेंडर किया है और यहाँ से मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किए ताकि इजीली आपको जब हम रेंडर मटेरियल अप्लाई करें तो आपको क्लियर नज़र आए। ओके, तो मैं इसको आप क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ से न्यू ड्राइंग ओपन करता हूँ। इसमें भी फ्रंट में ही काम करूँगा, टॉप से मैं फ्रंट पे आता हूँ, फ्रंट व्यू में आऊँगा और इसी में काम करूँगा। तो इसके लिए मैं एक आर्क लेता हूँ सबसे पहले, ए एंटर, इस कॉर्नर से आप एक आर्क लें। तो ऐसे इस साइड पे इस तरह मूव करें। ओके, यहाँ पे सही हो गया और सही यहाँ पे। अब यहाँ से आपने जो काम करने हुई है कि आप यहाँ से एक और आर्क लें, एंटर, कुछ इस तरह का, यानी ऐसा आप एक स्टाइल दे दें उसको। सही है, यहाँ से एल एंटर करता हूँ मैं, F8 प्रेस करता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ से मूव करें, फिर मैं आर्क यहाँ से लेता हूँ, ए एंटर, F8 प्रेस करता हूँ। अब सही है, और ठीक है, अब यहाँ से इसको ऑफसेट ले एंटर, और ऑफसेट अपने जो लेने हैं वो लेने हैं अपने यहाँ से तकरीबन 3 करता हूँ। जॉइन के लिए जे एंटर करूँगा मैं यहाँ से, यहाँ से आ रही है तो ड्रॉ नहीं हो रही, ए एंटर। यह सब सही है, ज्वाइन के लिए जे एंटर करें, जे एंटर, इसको और इसको ज्वाइन करें, इसको ऑफसेट लें, ओ एंटर, वन एंटर करता हूँ, देखता हूँ वन कितना ऑफसेट होगा, ओ एंटर, पॉइंट 4 एंटर। सही है, यहाँ तक। ओके, अब यहाँ से मैं एल एंटर करता हूँ इस कॉर्नर से, F8 प्रेस करता हूँ, फिलेट करता हूँ, F एंटर, R एंटर, पॉइंट 2 एंटर, इसको इसके साथ। सही है, इसको इसके साथ। सही है, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सर्कल, C एंटर, 2 पॉइंट, ट्रिम
TR, double enter. ओके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, एक्स इंटर, सही है। अब एफ इंटर, आर इंटर, पॉइंट फोर इंटर, ये सब सही है, अब सही हो गया। और अब मैंने यहाँ पे जो काम करना है वो ये करता हूँ, मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ इसके साथ। ओके इसको ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर। ओके अब यहाँ पे सही हुआ, जेड स्पेस ए स्पेस, यहाँ तक ठीक हुआ। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको ज्वाइन करता हूँ, जे एंटर, ओके ज्वाइन हो गया। अब मिरर करता हूँ इसको, जेड स्पेस ए स्पेस, मिरर के लिए एम आई एंटर, सारे को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इसको यहाँ से एम आई एंटर, यहाँ तक इसको मिरर कर लिया। सॉरी मिरर नहीं, रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व के लिए आर ई वी एंटर, सारे को सिलेक्ट करें स्पेस और इसको रिवॉल्व करें यहाँ से 360। आर ई वी एंटर, थ्री सिक्सटी, ओके। अब इसको मैं यहाँ से 3D व्यू में लेके जाता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक ग्लास तैयार हो गया, और इसको यहाँ से आप रियलिस्टिक व्यू में देखें, ओके तो यहाँ पे एक मेरे पास ग्लास रेडी है, इसको डिलीट करें। ओके अब यहाँ से मैं इसको टॉप व्यू में लेके जाऊँगा, और यहाँ से टॉप व्यू में, और यहाँ से इसको, अब मैं इसको यहाँ से 3D व्यू में लेके जाता हूँ। F7 प्रेस करता हूँ गाइडलाइंस को ख़त्म करने के लिए, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, क्योंकि जब मैं मटेरियल अप्लाई करना, उसके लिए मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और इसके इस बॉटम से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, सी एंटर, ओके। रीजन कमांड अप्लाई करता हूँ, आर ई जी एंटर, रीजन आ गई, और एक और आर्क अब ड्रॉ करता हूँ, ए एंटर, आर्क यहाँ से लेके एक यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, और इसको एक्सट्रूड करूँगा, एक्सट्रूड में होम में जाता हूँ, और यहाँ से स्वीप के ऊपर है एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, और लास्ट ऑब्जेक्ट एल एंटर, और स्पेस सेंस को उठा के ऊपर ले जाएं। ओके अब यहाँ तक सही है। अब मटेरियल अप्लाई करूँगा, मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, व्यूलाइज पे क्लिक करता हूँ, मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मटेरियल मैं दूंगा एक, किसको, यहाँ पे एक मटेरियल देता हूँ, नीचे यहाँ पे ये वाला मटेरियल दे देता हूँ, और ऊपर एक कलर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पेंट कलर मैं देता हूँ यहाँ पे। ओके पेंट कलर दे, और अब यहाँ पे इसको ग्लास मटेरियल अप्लाई करूँगा, इस पर कोई भी अच्छा सा मटेरियल अप्लाई कर दें, ग्लास मटेरियल, ये भी ग्लास मटेरियल। अब इसको रेंडर करके देखते हैं, फिर अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करेंगे मटेरियल को। रेंडर करते हैं,
R-E-N-D-E-R, रेंडर करते हैं। अगर हमारे पास ये सही हुआ मटेरियल, सही ग्लास हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज कर लें मटेरियल को, ग्लास मटेरियल को। यस है तो ठीक है, देखें ज़रा, सही है। अगर आपको ये सही नहीं, पसंद नहीं है आपको ये मटेरियल ग्लास, तो आप यहाँ पे कोई और मटेरियल ले लें जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तो ट्रांसपेरेंट के लिए आप यहाँ से वैसे ही मटेरियल लें। ग्लास में जी आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी होंगे, यहाँ पे देखें, अब ये जो मटेरियल ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। अब इसके लिए आप इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मैं रेंडर करता हूँ। यस यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास सही मटेरियल है। तो आप यहाँ से इस तरह डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करके देखें, तो आपको देखें बिल्कुल ज़बरदस्त मटेरियल आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो गया, देख सकते हैं ग्लास मटेरियल अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल पड़े हुए हैं, आप देखें यहाँ पे जो भी अच्छा मटेरियल आपको लगता है, ग्लास मटेरियल आप पूरा अप्लाई कर लें। ये मटेरियल है, अच्छे अच्छे मटेरियल, आप आपको जो भी सही लगता है आप वो मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करें और आपका देखें ग्लास रेडी हो जाएगा। अब ये देखें क्लियर मटेरियल है, ये भी ग्लास के लिए देखें बिल्कुल ज़बरदस्त मटेरियल है, पीछे इसका देखें शेड आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं जी, देखें आप अगर चाहते हैं इसको शेड इसका ऐसे आए, इस तरह का शेड पीछे यहाँ पे ऐसे आए, इसको जूम करें, मैं चाहता हूँ कि बस यहाँ पे नीचे इस चीज़ का भी शेड है, तो रेंडर करता हूँ अब मैं। रेंडर फ्लोर का भी शेड है, तो देखिए यहाँ पे अब उसका भी शेड आ रहा है, देखें क्लियर शेड आ रहा है, और पीछे जो कलर है उसका भी कलर आ रहा है, देखें यहाँ पे। तो एक ज़बरदस्त मटेरियल ग्लास हमारे पास अप्लाई हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। एंड चलो अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।